हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी है और आज का जो वीडियो है वो मैं ऐश्वर्या राय जी से इंस्पायर्ड होके बना रही हूँ। जो इनका हेयर स्टाइल है सेम वैसा ही करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। एंड वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पिक आप देख सकते हो, इसी टाइप का मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर वीडियो में। तो सबसे पहले आपको अपने क्राउन एरिया के हेयर्स को लेना है, सॉरी हेयर को लेना है इस तरीके से राउंड में पूरा। और यहाँ पे एक रबड़ बैंड से हेयर को टाई कर लेना है। तो इस तरीके से गोलाई में पूरा मैंने हेयर लिया हुआ है, ओके। और यहाँ पे रबड़ बैंड लगाऊंगी, सिल्क हाई बन हेयर स्टाइल बोल सकते हैं आप इसको। रबर बैंड को थोड़ा टाइटली लगा लीजिएगा और पोनी को टाइट कर दीजिएगा। इसके बाद से आपको एक डोनेट बन लेना है, तो यहाँ पे मैं ये डोनेट बन ले रही हूँ। इसको अपनी पोनी में इस तरीके से इंसर्ट करना है, ओके। उसके बाद से बालों को ऊपर से फैलाते हुए एक पतला सा रबड़ बैंड लेना है और इस पर लगा देना है। रबड़ बैंड को थोड़ा टाइटली लगा लीजिएगा, ओके। अभी जो हेयर हैं, बचे हुए हेयर हैं, जो ये डोनेट बन के बाहर जो हेयर बचे हैं, उनको सिंपली इसके चारों तरफ इस तरीके से लपेट के यू पिन की मदद से इसको सिक्योर कर देंगे, ओके। सबसे पहले हम लोग बैक का जो हेयर है उसको इस तरीके से लेके आएंगे पीछे से कॉम करते हुए। इस साइड के हेयर को ऐसे ही छोड़ देंगे। इधर का हेयर है तो आप इस साइड से लेके जाओगे, ध्यान से देख लीजिए। फ्रंट में लेके आएंगे ये जो हेयर है, इनको अंदर की तरफ ही हाइड करते हुए। एक यूपिन और ऐड कर लेंगे, पहले अभी यूपिन नहीं लगा रही मैं। इधर से फिर इतने हेयर ले लेंगे और बैक साइड से इसको कॉम करेंगे। अब दूसरी साइड से लेके आएंगे, ओके। इस तरीके से पूरा फ्लैट लुक देते हुए फिर बन के चारों तरफ एक्स्ट्रा हेयर को लपेट के यू पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। बैक साइड में अच्छे से सेटिंग स्प्रे लगा के और पूरा फ्लैट लुक देंगे पीछे के बालों को, ताकि जो भी आपके बेबी हेयर्स हैं वो निकले नहीं और जो हेयर स्टाइल है वो अच्छा दिखे। जहाँ से भी लूज पड़ रहा है वहाँ पे आप यूपिन से इसको सिक्योर कर लीजिएगा, ओके। अब बारी आती है फ्रंट के हेयर्स की, तो जो फ्रंट का हेयर है उसको हम लोग साइड पार्टीशन में डिवाइड करेंगे। और इस साइड के हेयर को अच्छे से कॉम करेंगे। मेरे यहाँ पे साइड स्कैल्प के हेयर बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो उसको अच्छे से कॉम करके फ्लैट कर लेंगे और इस तरीके से बैक साइड से लेके जाएंगे, बन के ऊपर से लेके आएंगे, सेटिंग स्प्रे मारते जाएंगे जिससे कि हमारा जो हेयर स्टाइल है वो खुले नहीं। अगर आपके बेबी हेयर्स बहुत ज़्यादा हैं इस तरीके से जैसे कि मेरे दिख रहे हैं, तो आप एक पतले दांतों वाला कॉम ले लीजिए और इस पर सेटिंग स्प्रे को इस तरीके से लगा लेना है।
हेयर को अच्छे से चिपका देना है। अभी हम लोग इतना हेयर छोड़ेंगे फ्रंट का, और इस साइड का जितना हेयर है सब उठा लेंगे, अच्छे से कॉम करेंगे, कहीं से भी हेयर छूटना नहीं चाहिए। और बन के चारों तरफ इस तरीके से लपेट देंगे और यू पिन से इसको सिक्योर कर लेंगे। अब बारी आती है जो हमारे ये वाले हेयर बचे हैं इनकी, तो इसको अच्छे से कॉम करेंगे। अच्छे से सेट कर देंगे। अब जहाँ से भी आपका एक्स्ट्रा हेयर दिख रहा है, जैसे बेबी हेयर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, उसको अच्छे से कॉम करके सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से सारे हेयर को एडजस्ट करते हुए मैंने कोशिश की है कि ये ऐश्वर्या राय जी जैसा बन जाए बन, बट वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं। मैंने भी ट्राई किया है, आप लोग को मेरी कोशिश कैसी लगी, आई होप कि हेयर स्टाइल अच्छा लगा हो, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियोज देखने के लिए। कहीं से भी बेबी हेयर्स दिख रहे हैं तो आप उसको अच्छे से कॉम करके और सेटिंग्स पे की मदद से सेट कर लीजिएगा और अच्छे से सिक्योर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सिल्क हाई बन हेयर स्टाइल बनाना है। तो पूरा सिल्क में क्या होता है कि पूरे हेयर अच्छे से फ्लैट होते हैं। तो कैसा लगा आप लोग को आज का वीडियो, आई होप कि पसंद आया हो, और मेरी कोशिश कैसी लगी। आपको इस तरीके की वीडियोज़ और देखनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इस तरीके की वीडियोज़ और ज़्यादा लेके आ पाऊँ आप लोग के लिए। तो इसका फाइनल लुक कैसा आता है वो देख लीजिए। फ्रंट से कुछ इस तरीके का दिख रहा है और साइड बैक से इस टाइप का है। साइड से इस तरीके का। तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टा आईडी पे जरूर जाइएगा, इंस्टा आईडी प्रीति तिवारी 24 है, एंड जो मेरा दूसरा चैनल है सिलाई कोर्स सॉरी प्रीति तिवारी 2, उस पर जरूर जाइएगा। उस पर मैं सिलाई से रिलेटेड अमेजिंग वीडियोज़ लेकर आते रहती हूँ। तो आप लोग हमेशा मेरे ये सेटिंग स्प्रे के बारे में पूछते रहते हो, हेयर सेटिंग स्प्रे, तो ये एनजीओ का सेटिंग स्प्रे मैंने और भी वीडियोज़ में अपने बताई है। शायद आप लोग रेगुलरली तौर पे मेरा वीडियोज़ नहीं देखते, तो प्लीज़ रेगुलर देखिए वीडियोज़ को। और ये सेटिंग स्प्रे काफ़ी अच्छा था, मैं इसको दोबारा ऑर्डर करने वाली हूँ, ये ख़त्म होने वाला है इसलिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।